नमस्कार, बॉलीवुड न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहरुख खान ने फिल्म जीरो के बाद से किसी फिल्म में अभिनय नहीं किया है। उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही है, जिससे शाहरुख खान आत्ममंथन के दौर में हैं। वे ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें फिर से कैमरे का सामना करने पर मजबूत कर दे। राजकुमार हिरानी सहित कई फिल्मकारों से उनकी बातचीत भी चल रही है, स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं। अफवाहें तो खूब चल रही है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। बहरहाल, निर्माता के रूप में शाहरुख खान सक्रिय है। उनका प्रोडक्शन हाउस लगातार फिल्में बना रहा है। हाल ही में उनके बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस फिल्म द क्लास ऑफ 83 नेटफ्लिक्स पर दिखाई गई, जिसमें बॉबी देओल ने लीड रोल निभाया है। शाहरुख खान जल्द ही एक और फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं। खबर है कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन लीड रोल निभाएंगे। फिल्म उन्हें ऑफर कर दी गई है और कार्तिक के हाँ कहने की देर है। फिल्म से जुड़े लोगों के अनुसार कार्तिक के ना कहने का सवाल ही नहीं होता है। शाहरुख के साथ काम करने का अवसर कार्तिक कैसे गवा सकते हैं? भले ही शाहरुख इस फिल्म में काम नहीं कर रहे हों, लेकिन प्रोड्यूसर तो है। हीरोइन के रूप में तापसी पन्नू को लिया जाएगा। तापसी एक सशक्त एक्ट्रेस है और शाहरुख के बैनर के साथ वे बदला फिल्म भी कर चुकी है, जिसमें अमिताभ बच्चन उनके साथ थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही थी। जहां तक निर्देशन का सवाल है तो अजय बहल इसे निर्देशित करेंगे। अजय की फिल्म बीए पास काफी चर्चित रही थी। इसके बाद उन्होंने अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा को लेकर सेक्शन 375 फिल्म बनाई थी। अजय को यह बड़ा मौका शाहरुख देने जा रहे हैं। जल्द ही इस फिल्म की घोषणा होने वाली है। दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल वेब दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी तरह बॉलीवुड और मनोरंजन जगत की ताजा तरीन खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बस आप देखते रहिए वेब दुनिया हिंदी। नमस्कार।